बक्सर जिले में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, जहां आप देख सकते हैं यह तस्वीर जो है यह सोन फ्लावर चक्की का है। यह बताया अभी मिली जानकारी के अनुसार ईडी की कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें शंभू यादव राजद के विधायक जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार शंभू यादव पहले होमगार्ड के सिपाही थे, उसके बाद में सिपाही बने और सिपाही से व्यवसायी बने, और इसके बाद लालू यादव ने इनको राजद से टिकट दिया और इसके बाद विधायक पहली बार बने, फिर दूसरी बार विधायक बने। यह भी कहा जाता है कि लालू के बहुत करीबी रहे हैं शंभू यादव, उनके बॉडीगार्ड भी रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ईडी की जो छापेमारी चल रही है, शंभू यादव के कई करीबियों के पास भी ये छापेमारी चल रही है। हालांकि यह भी यहाँ डुमराव डीएसपी ने इस बारे में ईडी की छापेमारी की पुष्टि की। बक्सर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के करीबी लोगों के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। मामला लैंड फॉर जॉब या आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा होने की संभावना है। ये कार्रवाई शंभुनाथ सिंह यादव और उनसे जुड़े लोगों के करीब 13 ठिकानों पर की जा रही है। शंभुनाथ यादव पूर्व सीएम लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। ईडी की टीम बक्सर के सदर, सिमरी, ब्रह्मपुर और चक्की प्रखंड क्षेत्र में विधायक से जुड़े कई ठिकानों में एक साथ दबिश दी है। शंभुनाथ के अलावा कई रिश्तेदारों के यहाँ भी छापेमारी की गई। केंद्रीय एजेंसी की रेड है, ये तो बता सकते हैं इसकी रेड है, ईडी का है कि ये चीज हम ऑथराइज नहीं है बताने के लिए, गोपनीयता होती है, बात को समझिए आप। केंद्रीय एजेंसी की रेड कब से है, हो रही है सर छापेमारी? आज अभी तो सामने हो रही है। गौरतलब है कि शंभुनाथ यादव बक्सर के ब्रह्मपुर सीट से राजद के विधायक हैं और लालू प्रसाद के काफी चहेते हैं। राजनीति में आने से पहले शंभुनाथ यादव बिहार पुलिस में कांस्टेबल थे। लालू प्रसाद के बॉडीगार्ड होने के नाते उनके करीबी उनसे बढ़ी, जिसके बाद वो राजनीति में आ गए। लालू ने शंभुनाथ यादव को ब्रह्मपुर सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईडी के कोई भी अधिकारी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, तो अब देखना है कि बक्सर जिले में कई जगहों पर आप देख सकते हैं, यह सन जो है सोन, यह शंभू यादव का ही विद्यालय का के बच्चे थे, जो इनका विद्यालय भी चलता है, तो विद्यालय सहित कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इस बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, यह भी आपको हम सुनाएंगे। फिलहाल आप जो भी खबर सामने आएगी तो वो बाद में आपको जानकारी दी जाएगी। हालांकि अब डीएसपी और यहां के स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया आप सुने। बक्सर से संजय उपाध्याय, पंजाब के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।